18 साल हो गए, बचपन बीत गया, मतलब बचपन से हम एक्सपायरी डेट हो गए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट में पहुंच गए। यहाँ क्या चलता है बीजेपी में? कोटे चलते हैं नौकरियों में और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जैसे, तो हमको तो लगेगा कि हमारा ही प्रत्याशी जीत रहा है। और अदर लोगों से पूछा जाए तो उनसे पता लगे सही जानकारी। बढ़िया प्रचार चल रहा, 60-40 को अंतर है हमारे परिवार में। लाडली बहना, अब आपने सुनो नहीं है माइक में, कबूल लो तो 18 साल से भट रखे कि इनकी बहने, आज इन्हें ध्यान आ गई जी बहने, पहले इन्हें ध्यान काय नहीं आई जी, ठीक है, या तो बहुत गलत बात है, आज चुनाव आ गया लाडली बहने इन्हें ध्यान आ गई। देखो बड़ा 1500 प्लस ले हमने, वो टेम को टेम खोल दिया नल तो पूरे गाँव में कीचड़े मची, या कीचड़े योजना चलिए और कछु नहीं करो। 18 साल में एक भी बच्चा नौकरी के लिए चपरासी नहीं बन पाया इनके राज में, बेरोजगार है। नमस्कार भैया, राम राम, हमें राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है, वो कुछ ही 7-8 दिन का समय बचा है। सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। परमा मांझ गाँव में ये पृथ्वीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी का जनसंपर्क चल रहा है। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसा प्रचार चल रहा है। हमारे साथ हैं सबसे पहले भाई जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है भाई जी? हमारा रविंद्र घोष। क्या कैसा प्रचार चल रहा है भाई जी? बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, कम से कम 30,000 से 40,000 से जीत होगी कांग्रेस पार्टी की। नितेंद्र सिंह राठौर 30,000 से कम वोटों से नहीं जीतेंगे, ज़्यादा से जीत सकते हैं। अच्छा, आज कितने गाँव में आप लोगों ने जनसंपर्क किया? करीब 5-6 गाँव में हो गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, और चाचा क्या नाम है? हमारा चंदन सिंह बुंदेला। अच्छा, कहाँ से हो चाचा? हम बर्माडांग के हैं। कैसो का चल रहा है प्रचार? चुनाव हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, एक तरफा चल रहा, बिल्कुल पंजा को प्रचार चल रहा पूरा। 7,000 से हम आए थे, वोट मिल रहा है पंजा के लाने वोट। आओ चा, तुम्हारे कितने पोलिंग बूथ से हैं? लगभग कितने बूटन से हम आए थे? 5-6 गाँव सेक्टर पर है, प्रभारी हैं यहाँ के। हाँ, हमारे यहाँ के 6 गाँव हैं, हमारे 6 गाँव में कोई भी गाँव नहीं, तो पनियाई खेरा, बर्मा डांग, बर्मा मांझ और कोर्राई और ये बर्मा ताल। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ? एक चाचा आज आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे, अरे इतने आ जाओ, इतने आ जाओ आगे। कहाँ आओ? हमारे हरगोविंद प्रजापति। कहाँ के हो बताओ? मैं लोरगांव पंचायत। अच्छा, की वोटिंग हमारी पंचायत में बहुत अच्छा इनने विकास किया है, और हमारे बर्मा ताल, बर्मा डांग, बर्मा मांझ, लोरगुआ, पनियारा खेरा और धर्मपुरा और रामपुरा और उत्तरीकारी और ढोंगा, माने जी अपने हैं जो नगर पंचायत के बाद, ये इनने बहुत विकास किया है। भाजपा की तो सरकार है, विकास इनने कर रही है साहब, भाजपा जा रही है। एक मिनट, हम रोक रहे हैं आपको, विकास की बात हो रही तो विकास, अबे तो भाजपा की सरकार है तो मम्मा कत्ते लाडली योजना का है मम्मा, तुमने खबर नहीं रखी, 18 साल की बच्ची हो गई और वे 20 साल का 35 में ब्याह करे का डालो, ये लाडली योजना कौन सी आए? तो बस सूखा राहत खा गए, पालो दृष्टि खा गए, ए ओलो दृष्टि खा गए, जनता रो रही है, बेरोजगार फिर रही है, इसलिए बदलाव तो होता है साहब, ये राजनीति पटेती नहीं है। कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। मध्य प्रदेश में को आ रहा हूं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी आ रहे हैं, जय जय कमलनाथ की। हमारे साथ और चाचा हैं, राम राम, नमस्ते नमस्ते। कहाँ नाम? इकबाल खान नाम है हमारा। हम कहाँ से? देवाड़ा के रहने वाले हैं और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जैसे, तो हमको तो लगेगा कि हमारा ही प्रत्याशी जीत रहा है। और अदर लोगों से पूछा जाए तो उनसे पता लगे सही जानकारी कि मतलब कौन प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन हम लोगों का अनुमान है कि 40,000 के समथिंग जीतेंगे नितेंद्र भाई से। अच्छा, रूप से टक्कर किससे मानना है? अब डॉक्टर शिषपाल से होगा और किससे? बीजेपी वालों से, और किससे होगा? और किसी से टक्कर होने वाली ही नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस वाले कहीं पर। अच्छा, क्या लग रहा हो खान साहब, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? वो देखो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तो उसमें 130 सीटों से 140 सीटें और 150 सीटें तक भी आ सकने की संभावनाएँ चल रही हैं। अब कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में जो काम किए थे वो बहुत सराहनीय थे, ऐसे सराहनीय थे कि जैसे लोगों का कर्जा माफ़ भी हुआ था, 1,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ़ भी हुआ था, बिजली बिल भी माफ़ हुए थे, अदर चीज़ें बहुत कुछ करवाया था, लाडली योजना के भी 51,000 रुपये किए थे उन्होंने। जी एक कह रहे लाडली बहना योजना चली जी, लाडली बहना योजना
कहाँ तक काम कर रही है? नहीं, हमें तो ये नहीं लग रहा है, मतलब उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी वाले कि लाडली योजना हमारे कामयाबी पे ले जाएगी, लेकिन संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो संभव कि लाडली योजना आज 18 साल से तो याद नहीं है, आई हैं बहनें और 3 महीने या 2 महीने में लाडली बहनें याद आ गई हैं उनको क्या? चलो हमारे साथ और हैं, कहाँ नाम है? राकेश यादव। अच्छा, कहाँ से हूँ आप? पड़वा से। कहाँ चल रहे हो तुम्हारे थे पड़वा में, बताओ? बढ़िया, प्रचार चल रहा हूँ। 60-40 को अंतर है हमारे परिवार में। 60 और 40 को? 60 है कांग्रेस, 40 है भाजपा। क्या लग रही है अब की दार? अब की दार जो है कि नीटू को विधायक बनना है, जब तो मुख्यमंत्री जल लड़ रहे थे चुनाव को, नीटू डॉक्टर थोड़ी लड़ी थी। गांव गांव जा रहे, कैसो सहयोग मिल रहा आदमी को? भरपूर सहयोग है, हाँ, भरपूर, जो कभी नहीं मिला वो आज मिल रहा है। क्या लग रही, कितनी सीटें आज हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की 150 पार है जी। महाराज कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं, लाडली बहना की बात आई तो कह रहे थे हम कि लाडली बहना, अब आपने सुनो ना, ये माइक में काबुल लो तो 18 साल से भट रखे कि इनकी बहने आज इन्हें ध्यान आ गई जी, बहने पहले इन्हें ध्यान काहे नहीं आई जी, ठीक है? या तो बहुत गलत बात है, आज चुनाव आ गया लाडली बहने इन्हें ध्यान आ गई, ठीक है? इन्हें पहले से ध्यान नहीं, लाडली बहन को पहले भी ध्यान कर सकते, उन्हें तेंद्र सिंह राठौर 30,000-40,000 जीते, हम अभी भी कह रहे, ठीक है, धन्यवाद। सोनी जी को बोल, सोनी जी आओ। क्या नाम सोनी जी? शिवेंद्र सोनी। कहाँ से? हम देगोड़ा से। काल चल रहा हो तुम्हारे देगोड़ा में? पंजा। क्या लग रहा हो, कितने फर्क रहे कांग्रेस में और बीजेपी में देगोड़ा में, प्रॉपर देगोड़ा में? देगोड़ा 1500 प्लस रहे हम, अच्छा। हाँ, उनकी अपेक्षा। कितने की वोटेंगे? वोटेंगे हम आए थे 6-6500 के समथिंग, 6-6500 मानो। में का है सो है के तापों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर लिया? कांग्रेस में कानून या भैया सभी कछु तो है। देखो, सबसे पहले तो 1500 रुपया महिलाओं के लाने उन्होंने दाए, ठीक है, और 500 रुपया छोटी सी बच्ची को, उसके बाद 1000, उसके बाद 1500 रुपया उनकी स्कॉलरशिप है, शिक्षा भी फ्री है, और अपन और आगे जाओ तो लाइट को बिल फ्री है, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन फ्री हैं, कुड़की मुड़की सब बंद हो जाने का है, सब पुराने भी जो डले हैं उनके किसान के बिल वे भी माफ़ है, और 2 लाख तक को किसान को कर्जा माफ़ है, और पेंशन जो कमलनाथ जी ने बढ़ा के 300 से 600 करी थी, अब वे पेंशन 600 से 1200 कर रहे कमलनाथ जी, जो सर्विस वाले आदमी हैं और पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, अभी से ज़्यादा वो जनता को खचाने हैं। मशीन है भाजपा, शिवराज सिंह ने कम से कौन टलन नारियल फोजा हुई और घोषणा कही, जहाँ भी सवा कहे गए तो वो आवे नारियल भाई के गए, नारियल फोड़ घोषणा कह दी कि फलानी चीज मंजूर है, नारियल फोड़ दे घोषणा कह दी, काम नहीं हो, काम कुछ नहीं हुआ, एक या कीचड़ योजना चलाई, कोलू भी गांव में चले जाओ, कोलू भी गांव में चले जाओ तो कीचड़ मचो है, वो टेम को टेम खोल दे नल तो पूरे गांव में कीचड़ मची, या कीचड़ योजना चली और उन्हें कछु नहीं करो। 18 साल में एक भी बच्चा नौकरी के लिए चपरासी नहीं बन पाया इनके राज में, बेरोजगार है, बेरोजगार है, बच्चा पढ़ने के बाद बेरोजगारी खा गए। रुक जाओ रुक जाओ, अभी पहले इनका शब्द के 18 साल पहले से ने कहा कि मम्मा भानज का नौकरी चपरासी, एक बच्चा भी अगर कोई का लगा हो, आज तक नहीं कोई जगह निकली, पटवारी की जो जगह निकली थी अभी वो भी किन्ने कैंसिल की गई, और बेचारों के रुपया 4-4, 5-5, 15 लाख तक के रुपए खा गए, उसको भी कैंसिल करा दिया गया, बेरोजगारी पूरी खा गए, हर चीज तरीके से नुकसान है जनता को, और सरकार सीधी बदलाव चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। 18 साल में अभियान ने बेलन की खबर है भाई, पहला तो भाग देने को 4 महीना पहले जी जाजमन की कुड़की कही जी के 500 रुपया बिल के ले, तो कुड़की कर ले 500 रुपया की कुड़की है, कुड़की कही के घर में नहीं बचन दे, उन्हें कहेंगे जाए जाए कहेंगे नहीं बचन दे, और भी आदमी हमारे संग काना भैया, आपको सेलेन सिंह चौहान। अच्छा चौहान साहब, कहाँ है प्रचार, कहाँ चल रहा तुम्हारे? बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है आपकी, बार नदिया पार को कह छोड़े हैं आदमी लोगों सब, नदिया पार हमारी समझ में नहीं आई, अच्छी तरह से बताओ नदिया पार का, नदिया पार फिल्म चल रही क्या? यूपी से आज विधायक जी हम आए थे शिशुपाल यादव, इनको नदिया पार करके छोड़े जनता ही थे, महंगाई भ्रष्टाचार अन्याचार के खिलाफ वोट कर ही बार। अच्छा, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट चल रहा, और तुम्हारे गांव गांव जा रहे, कैसा समर्थन मिल रहा तुमने? वो जनता को समर्थन मिल रहा, भरपूर समर्थन मिल रहा, जनता आप देख भी रहे थे कितनी जनता है साथ में,
जैसे अब कौन से गांव में आगे जनसंपर्क है आपको? हाँ आपकी मीडिया के माध्यम से जो लगाया कि कांग्रेस सहकार और 150 पाए आपने भैया एक हमारे संगे का नाम भैया संदीप सिंह घोष। अब अभी आप ये भैया लोग सब बता रहे हैं 18 साल हो गए बचपन बीत गया मतलब बचपन से हम एक्सपायरी डेट हो गए मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट में पहुंच गए। यहाँ क्या चलता है बीजेपी में? कोटे चलते हैं नौकरियों में। अच्छा बिजली की बात करते हैं मामा, बिजली बिल माफ कर रहे, बिजली बिल में पता क्या चलता है अभी शहरों में एनर्जी चार्ज चल रहा। हमने इस चीज़ को जानने की बहुत कोशिश की कि एनर्जी चार्ज है क्या, मतलब हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ रीडिंग के हिसाब से 1000 बिल आया और बिल है 3000, पता लगाया क्या है ये एनर्जी चार्ज है? पता है एनर्जी चार्ज क्या है? ये लोग क्या करते हैं साल में 3 महीने बिजली माफ कर देते हैं और 4 महीने एनर्जी चार्ज के नाम पर 2-4 हजार रुपये निकालते हैं। मैं इसका शिकायत भी की 181, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो समझ में आया जी एनर्जी चार्ज क्या है कि जो कंपनियों को जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी का पैसा ऐसे ही निकाल लेते हैं उपभोक्ता से और इसके नाम पे कुछ समझ में नहीं आता। चाहे आप 181 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, सिर्फ ये 6 महीने पिछले 2 बंदी से देख रहा हूँ मैं कि वो अपना पूरा मैनुफेस्टो बना के बैठ जाते हैं कि 6 महीने मुझे ये वर्दी निकालना। घोषणाएं की 100 घोषणाएं में से कम 20 घोषणाएं 10 घोषणाओं का क्रियान्वयन किया, बाकी बस चल रहा है। अभी अतिथियों को इतना उन्होंने घोषणाएं की कि तुम्हें पक्का करेंगे तुम्हें ये करेंगे, बताए कोई बेतन आया हो? सिर्फ 2% काम करते हैं 100% 98% ये फेकोलॉजी करते हैं, कोटे बढ़ते हैं नौकरियों के और भ्रष्टाचार की इतनी गहरी जड़ें हैं। आप लोग बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल जैसे शहरों में, आप पता चलता है जाने की बात, गांव की जनता तो बेचारी भोली है कुछ नहीं समझ पाती है। तो ये है हाल, ये गाँव की यहाँ राजनीति पता क्या चल रही है? यहाँ नदिया पार से जो विधायक जी आए हैं जो इनने ये सरपंच से और विधायक बने हैं तो यहाँ माहौल विधानसभा का नहीं ग्राम पंचायत जैसा माहौल है। कार्यकर्ताओं का शोषण करना, उन्हें पर नजर रखना, उन्हें उनके मत अनुसार वोट नहीं डाल पाना, ये इतनी घटनाएं देखी हैं उपचुनाव में अपन ने और यही चल रहा है। कार्यकर्ताओं को उनके डर रहे हैं कार्यकर्ता, इतनी कड़ी सख्ती है कि डर रहे हैं कार्यकर्ता, ये स्थिति है। हमारे साथ और चाचा हैं, क्या नाम है चाचा? हमारा डॉक्टर विष्णु राय दिगोड़ा। चाचा क्या लग रहा है आपकी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? देखो हमसे ज़्यादा तो आप क्षेत्र में घूमे से आपको भी पता हुई है पूरा। सबसे बड़ी बात है कि युवा लोगों ने ठान लिया है जो 25 साल तक जिनने MSc MEd और दुनिया भर की डिग्रियां करी वे आज जो है इनने 18-20 साल में कोई जगह नहीं निकाली थी, ओवर एज हो गया भी लड़का, इसलिए उन्होंने उन लोगों ने साथ खासकर युवा लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि हम इस जो है सरकार को गिराएंगे और कांग्रेस की सरकार को लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही जगह निकालती थी और आपको जो भी पता होगा सरकार कैसी बने भाई, जनता ने तो जो है कांग्रेस को चुना था, अब वे जनता कह रही कि हमने जब कांग्रेस को चुना था आप लोगों ने जो है बेंचो जो खरीद लिए विधायकों को, अब हम बताते हैं तो उनने भी ठान ली जनता ने। अब की बार फिर बिकाऊ प्रत्याशियों को वोट तो नहीं दिया गया कांग्रेस? किसी को टिकट ही नहीं मिला है बिकाऊ प्रत्याशी को, बिल्कुल ठोस जो है प्रत्याशियों को टिकाऊ कोई बिकाऊ जो है आपकी बार नहीं दिया है। कमलनाथ जी ने एक एक प्रत्याशी को सोच समझ के जो है टिकट दिया है और आपकी कोई बिकाऊ नहीं है, क्योंकि जो है जनता ने यही तो सोच लिया कि जे लोग तो बेंचो हमने इन्हें चुना ही नहीं था और जे लोग आ गए जबरदस्ती से। बुंदेलखंडी न्यूज पर बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बुंदेलखंडी न्यूज, अभी आपने सुना नितिन विजेंद्र सिंह राठौर के समर्थक थे, उनका जनसंपर्क चल रहा था। सब लोगों का अपना अपना मत है, हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही चुनावी चौपाल आपको दिखाते रहेंगे। अपने क्षेत्र और बुंदेलखंड की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बुंदेलखंडी न्यूज। हमें राम नरेश, कैमरामैन मनीष के साथ नमस्कार।